This is again Santosh Srivastava from Super 60 Education Hub, and again I am with the next 25 questions of sentence improvement. कल मैंने आपको 25 questions कराए थे, वो questions common errors पर दिए गए थे आप. आज जो questions आपको कराए जाएंगे वो भी 25 questions होंगे, लेकिन ये sentence improvement के होंगे, जो आपके exams का important segment होता है. ये कराने की सिर्फ एक वजह है कि इस समय जो भी एग्जाम्स आपके चल रहे हैं सीजीएल के और आईएसएचएसएल के, उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा. तो चलिए शुरू करते हैं सेंटेंस वन से. सामने आपके है अब की बार सीजीएल पा. ये एक प्रयास है, जैसा कि कोटेशन के रूप में यूज किया जाता है, कि जो बच्चे सीजीएल के एग्जाम्स में अपियर हो रहे हैं निश्चित ही उनका फायदा हो. 25 क्वेश्चंस प्रतिदिन, यानी पर डे 25 क्वेश्चंस विद लॉजिकल सॉल्यूशन, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपको ये समझाया जाता हो कि हाँ ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है. चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं. ये आपके सामने है. माय पेरेंट्स एंड माय टीचर्स विल बी वेरी बिजी लेटली. चार ऑप्शंस आपके पास है, शुड बी, वुड बी, हैव बीन या फिर नो इंट्रो. कौन सा बेस्ट ऑप्शन है आपका? माय पेरेंट्स एंड माय टीचर्स, यानी मेरे माता पिता और मेरे टीचर्स विल बी वेरी बिजी, बहुत ही व्यस्त होंगे लेटली, हाल ही में. लेटली मीन्स हाल ही में, रिसेंटली के सेंस में. कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, क्या आपको लगता है, क्या चूज करना चाहेंगे आप? My parents and my teachers should be very busy lately, या my parents and my teachers would be very busy lately, या my parents and my teachers have been very busy lately. बोलिए जल्दी जल्दी से, सारे बच्चे अपने आंसर्स दें. A, B, C या फिर D, कौन सा ऑप्शन ले रहे हैं आप? A, B, C या नो अदर, मीन्स नो इंप्रूवमेंट, कौन सा? चलिए, अगर आपने ग्रामर में मेहनत किया होगा तो निश्चित ही आपके आंसर्स सही होंगे. सबसे पहले ये वर्ड देखें, वेरी बिजी लेटली. अगर आपको याद हो लेटली का प्रयोग नॉर्मली हम कहां करते हैं? हम परफेक्ट में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में हम लेटली का प्रयोग करते हैं. क्या प्रेजेंट परफेक्ट शुड बी हो सकता है? नहीं ना. क्या प्रेजेंट परफेक्ट वुड बी हो सकता है? नहीं ना. तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या हो जाएगा? हैव बीन, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ बी, बीन, तो हैव बीन. तो माय पेरेंट्स एंड माय टीचर्स हैव बीन, हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, हैव बीन वेरी बिजी लेटली. ये जो लेटली है वो आपसे कह रहा था कि आप यहां क्या लें? प्रेजेंट परफेक्ट. और तीनों ऑप्शंस में हैव बीन ही बेहतर. विल बी के साथ भी आपका लेटली आ नहीं सकता है, इसीलिए बेस्ट ऑप्शन आपका सी था. तो पहले का आंसर आपका हो जाएगा सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप. द कोर्ट कैरिड आउट, द कोर्ट carried out judicial examination of the evidence. Carry out means पूरा करना, किसी कार्य को पूरा करना. The court carried out judicial examination of the evidence. Evidence means प्रमाण, you know. क्या होना चाहिए आप? The court carried out judicial ही सही है examination of the evidence. या the court carried out considerate examination of the evidence, या the court carried out a scrupulous examination of the evidence. या खुद ही सही है और no improvement. कौन सा बेस्ट ऑप्शन लग रहा है? ये कब आप कर पाएंगे? यदि आपका वर्ड आपके साथ हो, यही ना. अगर आपने अपना वर्ड पावर बेहतर बनाया है तो आप जानेंगे judicious means क्या होता है, considerate means क्या होता है, deliberate means क्या होता है और scrupulous means क्या होता है. याद है आपको? judicious क्या होता है? विवेकपूर्ण. If you are doing any work with your own common sense,
यदि आप अपने स्व विवेक से कोई कार्य कर रहे हैं तो यू आर ज्यूडिशियस. कंसिडरेट क्या होता है? हैविंग सिंपैथी, यानी सहानुभूतिपूर्ण, सहिष्णुतापूर्ण जो होता है वो कंसिडरेट होता है. डेलिबरेट क्या होता है? नोविंगली, यानी जानबूझकर, यानी होशो हवाश में जो आप कार्य करते हैं वो डेलिबरेट होता है. क्या सही है? द कोर्ट कैरिड आउट ज्यूडिशियस एग्जामिनेशन, उसने विवेकपूर्ण एग्जामिनेशन किया वहां पे, या फिर उसने कंसिडरेट एग्जामिनेशन किया, या फिर उसने डेलिबरेट एग्जामिनेशन किया, या स्क्रुपुलस एग्जामिनेशन किया? क्या सोच के देखें आप. आप में ज्यादातर बच्चों को ऐसा लग रहा है कि यहां पे ज्यूडिशियस सही है, लेकिन वो ज्यादातर बच्चे जो हैं वो गलत है, क्योंकि ज्यूडिशियस में सब विवेकपूर्ण होता है. जब कोर्ट किसी एविडेंस को एग्जामिन करेगी तो सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए करेगी, और सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जब आप कोई कार्य करते हैं वो कार्य एस्ट्रोप्लस होता है. यानी जब आप कोई कार्य सिद्धांत के तहत सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए करते हैं, सोच समझकर ध्यान पूर्वक करते हैं, वो कार्य एस्ट्रोप्लस होता है. कंसिडरेट तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहां कंसिडरेट एग्जामिनेशन की आवश्यकता नहीं. वैसे भी कोर्ट एग्जामिनेशन को कंसिडरेट होकर नहीं करेगा. डेलिबरेट भी नहीं होगा. डेलिबरेट में जानबूझ के एग्जामिनेशन करने का क्या मतलब? उसके पास आएगा तभी तो करेगी वो. और स्क्रुपुलस सही है, यानी सोच समझ करके ध्यान पूर्वक, ये विवेकपूर्ण है. तो अगर वो कोर्ट है तो ऑलरेडी माना जाता है कि वो ज्यूडिशियस हैं जो लोग हैं, लेकिन ये नहीं माना जाएगा कि वो एग्जामिनेशन को कैसे एग्जामिन कर रहे हैं, उस एविडेंस को कैसे एग्जामिनेशन कर रहे हैं. तो इसीलिए यहां पे स्क्रुपुलस सही होगा, क्योंकि उन्होंने ध्यान पूर्वक, यानी बहुत सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक उन एविडेंस को क्या किया? एग्जामिन किया. यहां पे स्क्रुपुलस, यानी ये जो ऑप्शन है आपका स्क्रुपुलस, ये यहां बेस्ट ऑप्शन है ज्यूडिशियस के जगत पे, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ये क्वेश्चन है थर्ड नंबर. द स्ट्रेंजर मेट टू बॉयज, जो स्ट्रेंजर था वो दो बच्चों से मिला, whom he believed were handsome. आना चाहिए आप. जो बच्चे अपने अच्छे हैं वो निश्चित है, देखते ही एक क्वेश्चन कर लेंगे, और इस प्रकार के क्वेश्चंस रेगुलरली आपके एग्जाम्स में एसएससी ने दिया है. आप कौन सा सही होगा? Who he believed होगा, या whose he believed होगा, या who he believes होगा, या फिर सबसे आसान ऑप्शन क्या चूज कर लें? नो इंप्रूवमेंट चूज. कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहेंगे आप? द स्ट्रेंजर मेट टू बॉयज हुम ही बिलीव्ड वर थीव्स. फिर मैं कहूंगा, अगर आपने ग्रामर में मेहनत किया है तो आप क्लॉजेस समझते होंगे. आप अगर ध्यान से देखेंगे, द स्ट्रेंजर मेट टू बॉयज एक क्लॉज हो गई, ही बिलीव्ड एक क्लॉज हो गई, He believed, एक सब्जेक्ट एक वर्ब. अभी आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा है whom were thieves. ये आपके पास बचा हुआ हिस्सा. क्या आपको लगता है कि एक सब्जेक्ट के तौर पे आप कभी भी whom का प्रयोग कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते. यानी आपको were thieves, ये जो predicate portion आपका बच रहा है, इसके लिए क्या चाहिए? Nominative case का pronoun चाहिए. और ये जो सामने आपके दिया गया है who, ये नॉमिनेटिव केस नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव केस है. अर्थात यहां पे क्या आएगा? who आएगा. अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द स्ट्रेंजर मेट टू बॉयज who, यहां क्या हो जाएगा? who he believed, एक क्लॉज है तो who were thieves, सही है. यानी who he believed यहां पे सही हो जाएगा. अब प्रश्न ये है कि who he believes क्यों नहीं हो, क्योंकि ये पहली क्लास जो है द स्ट्रेंजर मेट टू बॉयज पास्ट में है, तो उसके आगे वाली क्लास भी किस में रहेगी? पास्ट में रहेगी. इसलिए यहां पे who he
बिलीव्स से बेहतर है हु ही बिलीव्ड आप यूज कर लें, ए ऑप्शन का प्रयोग कर लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चौथे क्वेश्चन की तरफ आ गया। टीचर्स वुड लाइक हैव लॉन्ग हॉलीडे, टीचर्स वुड लाइक हैव लॉन्ग हॉलीडे, टीचर्स को अच्छी छुट्टियां, इनकी बड़ी बड़ी छुट्टियां लेना जो है वुड लाइक, उन्हें अच्छा लगेगा, यानी वो चाहते हैं कि उन्हें लंबी लंबी क्या मिले, छुट्टियां। वैसे मैं ऐसा नहीं चाहता कि मुझे लंबी लंबी छुट्टियां मिले, मैं चाहता हूं मेरा जितना भी समय है वो मेरे बच्चों के काम आए, जो मेरे अपने रूटीन वर्क होते हैं उनके अलावा जो भी मेरा समय होता है उस सब मैं अपने बच्चों के लिए देता हूं, ताकि उन्हें मैं बेहतर से बेहतर दे सकूं और मैं इंप्रूव करने की कोशिश करता हूं ताकि और बेस्ट मैं दे सकूं। देखेंगे क्या गलत है। टीचर्स वुड लाइक हैविंग लॉन्ग हॉलीडेज हो जाएगा, टीचर्स वुड लाइक टू हैव लॉन्ग हॉलीडेज हो जाएगा, या टीचर्स वुड लाइक हैविंग बीन लॉन्ग हॉलीडेज हो जाएगा, क्या सोच। सारी चीजें आपकी सोच पे है, जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे एग्जाम्स में उतना आप बेहतर करेंगे, जितना आप नेगेटिव सोचेंगे डरेंगे उतने एग्जाम्स में आप प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इसलिए हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ किसी भी क्षेत्र में उतरिए तो इस क्षेत्र में भी आप पॉजिटिव रहिए, क्या आप कर सकते हैं आप करके दिखाएंगे। देखिए जहां पर आपको वुड यू माइंड दिया गया होता है, वुड यू माइंड के साथ हमेशा वर्ब प्लस आई इज, तो यहां पर वुड यू माइंड वुड माइंड नहीं है यहां पर, यानी जो हैविंग का सिस्टम है या हैविंग बीन का सिस्टम है वो खत्म हो जाए। वैसे भी हैविंग बीन तो पैसिव स्ट्रक्चर में आप लेते, ये हैविंग और हैविंग बीन का मैटर फिनिश कर देता है, एक ही ऑप्शन बचा। अगर आपको याद हो जब आप वुड यू प्लीज यूज करते हैं तो आप बेयर इन्फिनिटिव यूज करते हैं, लेकिन जब आप वुड यू लाइक यूज करते हैं तो आप फुल इन्फिनिटिव यूज करते हैं। यहां देखिए क्या है, ध्यान से देखिए क्या है, वुड लाइक, जब वुड लाइक है तो इसके बाद क्या आएगा, फुल इन्फिनिटिव आएगा, और फुल इन्फिनिटिव कहां है, बी ऑप्शन है, यानी ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। टीचर्स वुड लाइक टू हैव लॉन्ग हॉलीडेज, तो याद कर लें वुड यू माइंड दिया गया है तो हमेशा वर्ब के आई एन जी फॉर्म यूज है, वुड यू लाइक दिया गया है तो हमेशा फुल इन्फिनिटिव यूज करें, और वुड यू प्लीज या विल यू प्लीज दिया गया है तो हमेशा बेयर इन्फिनिटिव यूज करें। तो यहां जो ऑप्शन है वुड लाइक के साथ वो बता रहा है कि क्या होगा, फुल इन्फिनिटिव यानी टू है अप्रोच। ओके सैटिस्फाइड, ओके तैयार कर लीजिएगा, काम आएगा आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन हमारे सामने, फिफ्थ क्वेश्चन आपका है, ऑल्दो शी वाज रिस्पांसिबल फॉर द एक्सीडेंट, यद्यपि शी वाज रिस्पांसिबल फॉर द एक्सीडेंट मीन्स वो उस एक्सीडेंट के लिए रिस्पांसिबल थी, Nobody blamed her, लेकिन किसी ने भी उस पर आरोप नहीं लगाया, उसे दोष नहीं, क्या हो, Nobody blamed her के स्थान पे yet nobody blamed her होगा, या still nobody blamed her होगा, या nevertheless nobody blamed her होगा, या already आपके पास no improvement है अर्थात कोई improvement करने की आवश्यकता नहीं, क्या हो, सोच के देखें, कर सकते हैं आप, क्लूज इस्तेमाल करें, कर लेंगे, सेंटेंस को ध्यान से देखें पूरा और ये सोचें क्या येट का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं, तो आल्दो के साथ तो येट का प्रयोग होता है, स्टिल का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं लेकिन येट प्रीफर्ड होता है, नेवरदलेस का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं, नहीं वाक्य के बीच में रखते हैं, नॉर्मली नहीं करते हैं आप, तो क्या येट का प्रयोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं ना, कर सकते हैं कि नहीं, जल्दी से बताइए येट का प्रयोग यहां पर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, आल्दो दो अगर है तो येट का प्रयोग होता है कि नहीं, तो आल्दो शी वाज रिस्पांसिबल फॉर द एक्सीडेंट क्या लगाना चाहिए, येट नोबडी ब्लेम्ड हर, यही बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्या लगेगा कि नहीं, आप लगेगा, लगेगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा,
क्योंकि उसने ऑलरेडी आपको कॉमा दे दिया। या तो आप कॉमा लेते हैं या येट लेते हैं। अब ध्यान से देखें, इस कॉमा वाले पोर्शन को उसने अंडरलाइन नहीं किया है, यानी कॉमा यहां रहेगा ही। अगर ये कॉमा यहां पे रहेगा ही तो केवल नोबडी ब्लेम्ड हर के स्थान पे लेना है आपको। अब अगर नोबडी ब्लेम्ड हर के स्थान पे आपने ये ले लिया नोबडी येट नोबडी ब्लेम्ड हर, अगर आपने ये लिया तो बात ये हो जाएगा, ऑल्दो शी वाज रिस्पांसिबल फॉर द एक्सीडेंट कॉमा येट। तो फिर सुपरफ्लूस होगा ना, कॉमा भी और येट भी। इसलिए बेस्ट ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप यहां कोई परिवर्तन नहीं करें, क्योंकि आल्दो और दो के साथ कॉमा जो है वो खुद येट का काम करता है। यानी ये ऑप्शन क्या है आपका, बेस्ट है, नो इंप्रूवमेंट, कोई जरूरत नहीं है इंप्रूव करने की। ओके ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज सिक्स्थ क्वेश्चन फॉर अस। Do you appraise any difficulty in your neighborhood after the recent theft? यानी जो हाल ही में चोरी हुई उसके बाद क्या आपको किसी परेशानी का, अपने पड़ोस में किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? यानी do you appraise, क्या आपको appraise हो रहा है एनी डिफिकल्टी, किसी कठिनाई का, इन योर नेबरहुड, अपने पड़ोस में, आफ्टर द रिसेंट थेफ्ट, हाल ही में जो चोरी हुई उसके बाद क्या लगाना चाहिए, इस अप्रेस के स्थान पे क्या लगाना चाहिए? नहीं ना, जो भी लगाना चाहेंगे वो तभी लगा पाएंगे यदि आप इन सारे वर्ड्स की मीनिंग समझेंगे आप। इसलिए मैं कह रहा हूं बाबू कि आप अपना ग्रामर पोर्शन ही नहीं, आप अपनी वर्ड पावर के सेक्शन को भी स्ट्रेंथ दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इस तरीके कई सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको पजल करेंगे, आपको परप्लेक्स करेंगे, मींस परेशान करेंगे। इसलिए इन पर मेहनत करें, वर्ड पावर को तैयार करें। देखें, ये जो अप्रेज है, जब आप किसी चीज की वैल्यू, उसके अमाउंट वगैरह को आप आकलन करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, तो आप अप्रेज करते हैं। तो क्या आप डिफिकल्टी को, अपने पड़ोस की डिफिकल्टी को इवेल्युएट करना चाहेंगे क्या? तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, यानी इसको फिनिश करते हैं कि ये नहीं होना है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है एप्रिहेंड। एप्रिहेंड क्या होता है, जब आपको किसी चीज की आशंका होती है, जब आपके अंदर किसी प्रकार की फीलिंग आ रही होती है, एक प्रकार का सेंस आ रहा होता है, अनुमान हो कि नहीं ऐसी ऐसा हो सकता है, तो आप एप्रिहेंड कर रहे हैं, आपको ऐसा समझ में आ रहा है, आपको ऐसी आशंका लग रही है, तो आप एप्रिहेंड कर रहे हैं। यू कैन अंडरस्टैंड कि एप्रिहेंशन मीन्स ही आशंका होती ना, तो यहां आशंका हो गई। अप्रोच क्या होता है, किसी मैटर को किस तरीके से आप डील करते हो, उस चीज के प्रति आपका अप्रोच क्या है, अर्थात आपका सोच, आपका बिहेवियर कैसा है, ये आपकी अप्रोच होती है। जैसे फला कार्य में उसका अप्रोच बहुत पॉजिटिव था, ये अप्रोच है आपका। अप्राइज क्या होता है, टू टेल समवन, टू इन्फॉर्म समवन, यानी किसी को इन्फॉर्म करना, उसे बताना, तो अप्राइज में सूचना देना होता है। अब देखें आप, क्या आपको आशंका है एनी डिफिकल्टी, क्या आपको किसी कठिनाई की आशंका है या अनुभव है, फीलिंग है आपको, तो क्या आपको किसी कठिनाई का अनुभव हो रहा है, क्या आपको किसी कठिनाई की आशंका हो रही है इन योर नेबरहुड, अपने पड़ोस में, आफ्टर द रिसेंट थेफ्ट, इस हाल ही की चोरी के बाद? सर बेस्ट ऑप्शन है, समझ सकते हैं आपको अप्रोच या अप्राइज की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप नहीं कहना चाहेंगे डू यू अप्राइज एनी डिफिकल्टी, क्या आप किसी कठिनाई की अप्राइज और सूचना से क्या मतलब है। Do you approach any difficulty? डिफिकल्टी के प्रति आपकी यहां अप्रोच को क्या मतलब है? Do you apprehend best? अगर मीनिंग जानेंगे तो आप समझ जाएंगे। Do you apprehend any difficulty? यानी क्या आपको किसी कठिनाई का अनुभव हो रहा है, क्या आपको किसी कठिनाई की आशंका हो रही है, तो यहां पे apprehend best ऑप्शन हो जाएगा। यानी ये आपका आंसर है, apprehend, ये आपका यहां अप्रेस के स्थान पे आ जाए। अपेज मीन्स आकलन करना, किसी चीज को इवेल्युएट करना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारा है सेवन, सातवां प्रश्न। लेट्स सी, व्हाइल एट मुंबई, यानी मुंबई में रहने के दौरान, आई स्टेड इन अ होटल, एक होटल में मैं रुका, एंड मच ऑफ माई टाइम वॉज स्पेंट, और मेरा बहुत सारा समय खर्च हुआ, व्यतीत हुआ इन इंटरव्यूइंग पीपल, लोगों को इंटरव्यू करने में, यानी उनके साक्षात्कार लेने में ही मेरा बहुत सारा समय क्या हो गया, बीत गया। क्या सही है? मच ऑफ माई टाइम वॉज स्पेंट तो सही होना चाहिए था, या फिर मच ऑफ माई टाइम हैड बीन स्पेंट, पैसे वैश यूज करना चाह रहे हो, या मच ऑफ माई टाइम वॉज स्पेंट के स्थान पे स्पेंट मच ऑफ माई टाइम यूज करना चाहते हो, या आई हैड स्पेंट मच ऑफ टाइम यूज करना चाहते, या फिर सबसे बेहतर ऑप्शन आप लिए क्या महसूस हो रहा होगा, नो इंप्रूवमेंट कर दें, जंजाल से मुक्ति हो जाए। क्या लगाना चाहते हैं, कौन सा बेस्ट ऑप्शन है आपके? व्हाइल एट मुंबई आई स्टेड इन अ होटल एंड मच ऑफ माई टाइम वॉज स्पेंट, इसके स्थान पे मच ऑफ माई टाइम हैड बीन स्पेंट सही होगा, या मच ऑफ माई टाइम वॉज स्पेंट के स्थान पे स्पेंट मच ऑफ माई टाइम सही होगा, या आई हैड स्पेंट मच ऑफ टाइम। ये समझने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास कंजंक्शंस का, क्लॉजेस का सही नॉलेज होना चाहिए। देखिए कैसे, आपको लगेगा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है, लेकिन आप कब कर पाएंगे, जब ये ध्यान से देखेंगे आप। व्हाई एट मुंबई, यानी मुंबई में रहने के दौरान, आई स्टेड, आई के बाद क्या है, स्टेड इन अ होटल, एंड एंड याद होगा आपको, एंड एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नॉर्मल अवस्था में हमेशा पैर यानी समान प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज करते हैं, यानी एंड के बाद वही पोर्शन आएगा जो एंड के पहले है। एंड के पहले क्या है, स्टेड इन अ होटल, आई स्टेड इन अ होटल, तो आई तो कॉमन हो जाएगा, क्योंकि एंड के बाद फिर से आई लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम है, उससे बेहतर है व्हाइल एट मुंबई आई स्टेड इन अ होटल, यानी ये आपका स्टेड कॉमन हुआ, एंड अब दोबारा आई न ले आप, एंड फिर सीधे वर्ब लें, तो चूंकि आई के बाद सीधे वर्ब है तो एंड के बाद भी सीधे वर्ब आए। अब कौन सा पोर्शन है जिसमें सीधे वर्ब दिया गया है, ध्यान से देखें, ये पोर्शन है, ये पोर्शन है जो आपसे कह रहा है कि ये बेस्ट होगा। अब देखिए मिलाएं कैसे, व्हाइल एट मुंबई आई स्टेड इन अ होटल एंड स्पेंट हो जाएगा, एंड स्पेंट यानी बेस्ट है, क्योंकि आप कहना क्या चाह रहे, आई स्टेड इन अ होटल, आप एक होटल में ठहरे, और के बाद क्या व्यतीत किया आपने, बहुत सारा समय किसमें, अपने इंटरव्यूइंग पीपल में, यानी आंसर हो गया आपका ये पोर्शन, ये बेस्ट है आपका। तो व्हाइल एट मुंबई आई स्टेड इन अ होटल एंड यहां पे वर्ब आनी चाहिए आपको एंड के बाद, एंड स्पेंट मच ऑफ माय टाइम इन इंटरव्यूइंग पीपल हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाएगा। प्लस समझेंगे आप और बेहतर कर सकेंगे। चलिए फिर हम आठवें प्रश्न में, एट क्वेश्चन पे आ गए हैं, ट्राई करते हैं अवर लेवल बेस्ट। ही नोबली अक्विटेड हिमसेल्फ इन द बैटल, ही नोबली, नोबली मीन श्रेष्ठता पूर्वक, बहुत बहादुरी पूर्वक, ही नोबली अक्विटेड हिमसेल्फ इन द बैटल। जब मैं इलाहाबाद में पहली बार गया था तो मैंने वहां एक टीचर की नोट्स में देखा, बच्चों ने लिखा था कि अक्विट मीन्स दोष मुक्त कर देना, गलत नहीं था, लेकिन ये वहां पे लिखा था जहां पे अक्विट मीन्स दोष मुक्त करना नहीं होता है, अक्विट मीन्स प्रशंसापूर्ण प्रशंसाजनक कार्य करना होता है। आपको याद होगा कुछ, कल भी मैंने कहा था, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके बाद अगर आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो उनकी कमी को पूरा करने के लिए हम क्या लेते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम प्रयोग करते हैं ना,
अक्विट उन्हीं में से एक है, अक्विट उन्हीं में से एक है जिसके में प्रशंसापूर्ण कार्य करना होता है और उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। ध्यान से देखें, अक्विटेड हिमसेल्फ है ना, यानी ये सही यहां पे गलत नहीं। क्यों? क्योंकि जब अक्विट का प्रयोग आप प्रशंसाजनक कार्य करने में, प्रशंसापूर्ण कार्य करने में करते हैं, वहां पे आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेना है। तब जब यहां पर ऑलरेडी कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो है नहीं आपका, इन है प्रीपोजिशन यानी हिमसेल्फ यहां से। अब प्रश्न, क्या नोबली सही है? नोबली क्या है? शानदार तरीके से, श्रेष्ठता पूर्वक, यानी कैसे? शानदार तरीके से। कैसे का जवाब क्या होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर। तो हमने पढ़ा हुआ है कि एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है वो वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद होना चाहिए, है ना? तो इस हिसाब से यहां बाद होना चाहिए। तो हमने ये भी पढ़ा है कि अगर वर्ब के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद अगर हमारे पास कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये है ना, इन द बैटर, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, तो जहां पे प्रीपोजिशनल फ्रेज होती है तो एडवर्ब ऑफ मैनर को वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद नहीं, वर्ब से पहले रखते हैं, यानी ये भी अपने स्थान पे सही है। यानी समझ रहे होंगे, ही नोबली एक्विटेड हिमसेल्फ। अब दूसरा, पहला ऑप्शन देखते हैं, ही अक्विटेड नोबली इन द बैटल। सबसे बड़ी चीज ये हो ही नहीं सकता है कि वो जब अक्विट का प्रयोग इस सेंस में आप करेंगे तो आपको हिमसेल्फ लेना ही होगा। मैटर फिनिश इनका, अक्विटेड हिमसेल्फ नोबली बिल्कुल हो सकता था, लेकिन ये नोबली तभी हो सकता था यदि इसके बाद कोई फ्रेज नहीं होती, लेकिन यहां तो है ना इन द बैटल, तो फिर ये नहीं हो सकता है। नोबली एक्विटेड सही हो सकता है, लेकिन इसके बाद फिर देखें क्या नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, यानी तीनों नहीं होंगे। ऑलरेडी ये पोर्शन आपका क्या है, नो इंप्रूवमेंट में आएगा, क्योंकि ये सही है। तो ही नोबली अक्विटेड हिमसेल्फ इन द बैटल, ये लेवल है आपका जिस पे आपको चलना होगा यदि आप सीजर जैसे एग्जाम्स में क्वालिफाई करना चाहते हैं। और मैं फिर कहूंगा, प्री निकाल लेना आपकी बहुत बहादुरी नहीं है, आपको मेंस के लिए भी प्रिपेयर करना होगा पहले से ही, क्योंकि इतना समय नहीं रहेगा जहां पे आप पूरा फिर से आप पढ़ सकते हो। तो अभी से बना लें हम अपना सब कुछ जाने, ताकि बाद में केवल रिवाइज करना रहे हमको, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है आपके साथ, वेयर हैड यू बीन प्लेइंग सिंस वी लास्ट प्लेड टुगेदर, क्वेश्चन मार्क है, ध्यान रखिएगा, ये स्ट्रक्चर पे नहीं चाहिएगा। बोले क्या हो, मेरी आवाज देख रहे होंगे थोड़ी थोड़ी बैच रही है, पता नहीं क्यों, शायद कोई प्रॉब्लम हो। चलिए बोलो, वेयर हैड यू बीन प्लेइंग, ये सही है। तो हैड यू बीन प्लेइंग सही है कि नहीं, या फिर वेयर वुड यू प्ले होगा, या वेयर आर यू प्लेइंग होगा, या वेयर हैव यू बीन प्लेइंग, इनमें से कौन सा लेना चाहेंगे आप? जल्दी से सोचे, यहां एक रूल, एक क्लू आपके काम आए जो देखते ही आप बता सकते हैं कि क्या यहां पे बेस्ट होगा। जो बच्चे पढ़ेंगे उन्हें याद आ रहा होगा कि यहां पर क्या सही होगा। जल्दी से बोले आप, जो भी बच्चे हैं वो शेयर करते रहें, बच्चों को बताते रहें कि हाँ ठीक है, सर की क्लास है जहां 25-25 क्वेश्चंस आपको कराया जा रहा है और ठीक ठाक कराया जा रहा है, तो फिर इसका जरूर वो क्या उठाएं, फायदा उठाएं, एक ऐसे समय में जब सीजन के एग्जाम चल रहे हैं और आगे जुलाई में आपको CHSL और सितंबर अक्टूबर में आपको MTS को फेस करना है, तो निश्चित ही आपका भी दायित्व है कि आप अन्य बच्चों को भी बताते जाए, बताएंगे ना, जरूर बताइए बच्चों को, ताकि उनका भी फायदा हो। चलिए बढ़े आगे, देखिए, वेयर हैड यू बीन प्लेइंग, आपको लगेगा सही तो है सर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वेयर हैड यू बीन प्लेइंग सही होगा। आप ध्यान से देखेंगे आप समझ जाएंगे, ये सिंस आपसे कुछ कह रहा है, याद आया सिंस, जब सिंस के आगे वाली क्लास, ये क्लास पास्ट इंडेफिनिट में है, तो आपको याद होना चाहिए कि सिंस के पहले वाली क्लास प्रेजेंट परफेक्ट या उस सेंस में होनी चाहिए। अब प्रश्न, कौन सा इसमें ऑप्शन है जो परफेक्ट ले रहा है? क्या वुड यू प्ले परफेक्ट ले रहा है? कतई नहीं। क्या आर यू प्लेइंग कभी परफेक्ट में आ सकता है? कभी नहीं। क्या हो जाएगा? हैव यू बीन प्लेइंग आएगा ना परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो यहां पे जो सिंस के बाद वाली क्लास है, जो वी लास्ट प्लेड पास्ट इंडेफिनिट,
ये आपको फोर्स कर रही है, इसके पहले जो हैड यू बीन प्लेइंग है इसे हटा के आप परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी जब भी आपका सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट हो तो सिंस के पहले वाले क्लास परफेक्ट से ही बिलोंग करेगी। यही था हैव यू बीन प्लेइंग, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ओके सी ऑप्शन हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और दसवां क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, देख रहे होंगे। इट वुड बी अ गुड आइडिया, यानी यह एक अच्छा विचार होगा। क्या अच्छा विचार होगा? इफ यू गेट हिज परमिशन फर्स्ट, कि पहले आप उसकी क्या ले लो, परमिशन ले। यानी ये एक अच्छा विचार होगा कि पहले आप उससे परमिशन ले लो। आप क्या बोलते हैं, गेट के स्थान पे विल गेट आएगा, गेट के स्थान पे गॉट आएगा, या गेट के स्थान पे हैव गॉट आएगा? तुरंत आना चाहिए, तुरंत जैसे आपने क्लास को पढ़ा आपको आना चाहिए। यही सब टेस्टिंग है आपका, यही सब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। क्योंकि 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो इफ यू आर नॉट हैविंग योर एक्यूरेसी, अगर आप इस सेंस में एक्यूरेसी को नहीं मेंटेन कर रहे हैं, इट मींस कहीं कहीं आपकी प्रॉब्लम आए। इसलिए जैसे आपने देखा इट वुड बी अ गुड आइडिया, वुड बी बता रहा है कि आगे भी क्या आएगी, आपकी पास्ट आएगी। क्या गेट पास्ट है? क्या गेट का पास्ट क्या होगा? ये सब तो हो ही नहीं सकते कभी। तो इफ इट वुड बी अ गुड आइडिया इफ यू गॉट, विल गेट वैसे भी नहीं हो सकता था ना, क्योंकि इफ क्लास में विल कहां लेते हैं आप, वैसे भी यहां पे बेहतर है क्या ले आप, गॉट का प्रयोग कर ले इसकी वुड की वजह से। ओके, जहां भी आपको दिक्कतें हो मेरे से बताएं, आप लिखें, कमेंट्स करें, पूछें कहां कहां पे क्या प्रॉब्लम है, मैं निश्चित ही उसका आपको जवाब दूं, निश्चित ही दूंगा मैं आपको, क्योंकि आपकी सेटिस्फैक्शन को मैं अपने जहन में रखता हूं कि आप मेरे से खुश रहें, संतुष्ट रहें, आपकी खुशी मेरी सबसे बड़ी खुशी है। चलिए 11वां प्रश्न आ गया हमारे सामने, 11th क्वेश्चन। नॉट अंटिल द क्राइम हैड बीन एक्चुअली कमिटेड, यानी तब तक जब तक कि वो वास्तव में क्राइम घटित नहीं हो गया, क्राइम हो नहीं गया, डिड ही रियलाइज, तब तक उसे एहसास ही नहीं हुआ द नेचर ऑफ इट, कि उस क्राइम का नेचर क्या है, वो क्राइम कैसा है, वो क्राइम उसकी कंफॉर्मिटी को नहीं समझ पाया, वो उसके एक्सटेंट को नहीं समझ पाया, या उस क्राइम की एनॉर्मिटी को नहीं समझ पाया। अब यहां भी क्या काम आएगा, आपका वर्ड पावर यही काम आएगा। चलिए बताएं, नॉट अंटिल द क्राइम हैड बीन एक्चुअली कमिटेड, देखिए इन्वर्जन का कितना बढ़िया यूज है। जब कोई क्लास आपकी नॉट अंटिल से शुरू हो तो जो अगली क्लास होगी, नॉट यहां पे नहीं, जो अगली क्लास होगी वो पूरा पार्शियल इन्वर्जन हो जाएगा। नॉट अंटिल, जिन बच्चों के पास मेरी शीट होगी देखिएगा वहां मैंने दिया हुआ है, नॉट अंटिल द क्राइम हैड बीन एक्चुअली कमिटेड डिड ही रियलाइज, ये डिड ही रियलाइज हो गया, द नेचर ऑफ इट, ये नेचर किस चीज का, उस क्राइम, यानी ये जो नेचर है ये किसके लिए, इस क्राइम के लिए, यानी उसे उस क्राइम के नेचर का एहसास नहीं हुआ। क्या उसे नेचर नहीं पता चला? क्या नेचर क्या होता है, हमारा आपका स्वभाव, ये नेचर होता है। यहां क्राइम के नेचर की बात तो नहीं कर रहे हैं। कन्फॉर्मिटी क्या होती है, कन्फॉर्मिटी किसी चीज से आपकी समरूपता, आपकी जो सिमिलरिटी होती है वो कन्फॉर्मिटी होती है। एक्सटेंट क्या होता है, किसी चीज की सीमा, उसकी जो हद है आपकी लिमिट है वो एक्सटेंट होता है। एनॉर्मिटी क्या होती है, किसी चीज की बृहदता, उसकी विशालता, उसकी भयावहता, समझ गएंगे। क्राइम है तो क्या एहसास नहीं कर पाया वो उसकी एनॉर्मिटी को एहसास नहीं कर, वो क्राइम कितना भयावह है, कितना बड़ा है। एनॉर्मिटी आप याद करें ना, वर्ड याद होगा आपको, एनॉर्मस, एनॉर्मस मींस विशाल, बड़ा। यानी नॉट अंटिल द क्राइम हैड बीन एक्चुअली कमिटेड, यानी जब तक वो क्राइम वास्तव में हो नहीं गया, डिड ही रियलाइज, तब तक उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो क्राइम कितना क्या है,
भयावह है, कितना बड़ा क्राइम है वो, यहां सी ऑप्शन आपका बेस्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ट्वेल्थ प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सारे चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं आपके, आप मेहनत करेंगे तो निश्चित ही जो सबसे बड़ी पूंजी होगी आपके पास वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, आप बढ़िया बन रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डज ही रिजेंबल हिज फादर, बहुत बार एग्जाम में दिया गया आपको, बहुत बार, डज ही रिजेंबल हिज फादर, क्या वो अपने पिता की तरह दिखता है, क्या वो रूप रंग में अपने पिता के समान है, तो क्या होगा, डज ही रिजेंबल टू हिज फादर होगा ये ऑप्शन होगा, या डज ही रिजेंबल विद हिज फादर होगा, या डज ही रिजेंबल एज हिज फादर, कौन सा बेस्ट ऑप्शन। बहुत बार एग्जाम में आया, ये चीजें आपको कॉमन एरर में भी दी जाती हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी दी जाती हैं, और सेंटेंस फिलर में भी दी जाती है, तो कोशिश करें सोचने की कौन सा बेस्ट है, ये लगाना चाहेंगे रिजेंबल टू हिज फादर, या ये लगाना चाहेंगे रिजेंबल विद हिज फादर, या आपके लिए रिजेंबल एज हिज फादर बेस्ट, या आपके लिए तीनों नहीं ऑप्शन है, नो इंप्रूवमेंट, और बिल्कुल नो इंप्रूवमेंट ही होगा, क्योंकि रिजेंबल के साथ वर्ब के रूप में आप किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहां कोई एरर नहीं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। रिजेंबल के साथ टू लगता नहीं है, रिजेंबल के साथ विद लगता है, लेकिन तब जब रिजेंबल नाउन हो जाता है और रिजेंबलेंस हो जाता है तब आप लगा सकते, तो फिर यहां डज ही रिजेंबल हिज फादर, यानी रिजेंबल वो वर्ब है जो अपने बात किसी प्रीपोजिशन को प्रयोग नहीं लेती है, जैसे आपने पढ़ा था आर्डर का प्रयोग है, अटैक का प्रयोग है, विजिट का प्रयोग है, असिस्ट का प्रयोग है, कमांड का प्रयोग है, ओबे का प्रयोग है, विश्र का प्रयोग है, इम्प्लोर का प्रयोग है, बेग का प्रयोग है, रीच का प्रयोग है, इन्वेस्टिगेट का प्रयोग है, एक सेंस पर इंटर का प्रयोग है, ये ऐसे वर्ब्स हैं जिनके तुरंत बाद आप किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग न करें यदि ये उसी सेंस में यूज हो रही है जो जिस सेंस में इनकी मीनिंग होती है, तो आप कभी भी प्रीपोजिशन ना लें। जैसे इंटर पे मैंने कहा नॉर्मली, क्यों, क्योंकि इंटर दो तरीके से यूज होता है, एक एंटर जब आप किसी जगह पर प्रवेश कर रहे हैं, तो जगह पर प्रवेश करने के सेंस में एंटर के साथ कभी भी आप कोई प्रीपोजिशन ना लें, जैसे ही एंटर द रूम, ही एंटर द क्लास, यहां पे कोई इंटू नहीं लगेगा, लेकिन एंटर इंटू होता है जब आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे होते हैं, जैसे ही एंटर इंटू न्यू बिजनेस, यानी उसने एक नए बिजनेस में प्रवेश किया, उसकी शुरुआत की, यह एंटर इंटू लगता है। इंटर अपान होता है जब आप किसी नए कोर्स, किसी नए प्रकार के जीवन की शुरुआत करते हैं, दे हैव एंटर्ड अपान अ न्यू कोर्स ऑफ लाइफ, सही है, यानी एंटर अपान होता है, इंटर इंटू होता है, लेकिन अर्थ क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यहां पे रिजेंबल है, रिजेंबल के साथ किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन अगर यहीं पे रिजेंबलेंस होता तो आप विद का प्रयोग कर सकते थे, यानी यहां पे नो इंप्रूवमेंट होगा, यानी ये ऑप्शन आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, नो गुड। तैयार करिए, यही ऑप्शन है, सफल होने का एक ही ऑप्शन है, देयर इज नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं है, मली हार्डवर्क, कठिन परिश्रम करें, बट डू हार्डवर्क विद स्मार्टनेस, लेकिन सोच अपनी एडवांस रखें, तेजी से सोचें ताकि जल्दी सफलता मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम 13वें प्रश्न पर आ गए जो एक इनऑस्पिशियस नंबर माना जाता है, तो जल्दी से इसको पूरा कर ले आप। दिस इज बिफोर यू द विमेन्स इमेंसिपेशन बिल, यानी विमेन्स इमेंसिपेशन बिल वाज सेंट बैक टू द लोकसभा, यानी जो विमेन्स इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन आजादी मुक्ति, तो विमेन्स इमेंसिपेशन बिल वाज सेंट बैक टू द लोकसभा, लोकसभा को वापस भेज दिया गया बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा फॉर फर्दर एग्जामिनेशन, किस चीज के लिए, फर्दर एग्जामिनेशन। अब फर्दर एग्जामिनेशन के स्थान पे फर्दर स्क्रूटनी होगा, या फर्दर रीडिंग होगा, या फर्दर पैरोसल होगा, क्या, या नो इंप्रूवमेंट, क्या सही है, बोले ए बी सी, क्या लेना चाहेंगे आप, कौन सा बेस्ट ऑप्शन दिख रहा है, फर्दर स्क्रूटनी करेंगे क्या, वो लोकसभा फर्दर स्क्रूटनी करेगी,
स्क्रूटनी क्या होती, जिससे आपकी कॉपी चेक हो, आपके नंबर्स डिक्लेयर कर दिए गए, आपको लगा कि आपकी कॉपी ठीक से चेक नहीं की गई है, तो आप कहेंगे फिर से कॉपी चेक की जाए, फिर से कॉपी चेक की जाए, ये स्क्रूटनी होती। मुझे नहीं लगता वो ऐसा कहना चाह रहे हैं। इसे स्क्रूटनी से स्क्रूटनाइज बनाए वर्ब। फर्दर रीडिंग, हाँ तो प्रेसिडेंट साहब ये कहेंगे कि भाई फिर से पढ़ लो आप, कहेंगे क्या, नहीं कहेंगे। फर्दर पैरिसन, भाई ध्यान से पढ़ लो आप, पढ़ने के लिए कहेंगे क्या, नहीं कहेंगे। वो कोई बिल है तो उसे एग्जामिन करने के लिए कहेंगे, आप फिर से इसे एग्जामिन कर लो, ध्यान पूर्वक एग्जामिन कर लो, परीक्षण कर लो इसका। दिस इज राइट, देयर इज नो चेंज, नो इंप्रूवमेंट, यानी आपका आंसर ये हो जाए, नो इंप्रूवमेंट हो जाए। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू। नो सूनर हैज सी एग्रीड टू मैरी हिम देन शी स्टार्टेड हैविंग टेरिबल डाउट्स। आप लाइफ में भी लाइन काम आएगी। No sooner has she agreed to marry him, यानी वो उससे शादी करने के लिए अभी सहमत भी नहीं हुई, तैयार भी नहीं हुई, than कि she started having terrible doubts, कि उसे तुरंत उसके बारे में लेकर के बहुत सारे doubts, terrible doubts आने लगे, कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा है, वैसा है, ये सारे doubts आने लगे। कौन सा सही है? No sooner का structure देखते ही और इस सारे options देखते ही आप समझ जाएं यहां पर best क्या हो, क्या बेस्ट है। शी नो सूनर हैड एग्रीड सही होगा या नो सूनर डिड सी एग्रीड होगा। कॉमन सेंस लीजिए, नो सूनर डिड सी एग्रीड कभी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये डिड के साथ एग्रीड कैसे आ सकता है, कभी नहीं आएगा। नो सूनर हैड शी एग्रीड हो जाए, अब प्रश्न है ए क्यों नहीं होगा या जो ऑप्शन है वो क्यों नहीं होगा। तो नो सूनर हैज शी एग्रीड कैसे होगा, क्योंकि जैसे उसने उससे शादी के लिए हामी भरी, तुरंत जब उसने हामी भर दी थी, एग्री कर लिया था, पास्ट में जाएगा तो हैज कैसे होगा, नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ए क्यों नहीं होगा, शी नो सूनर हैड एग्रीड, आप जानते हैं अगर नो सूनर लेना भी है, ये नो सूनर कहां लेंगे आप, शी हैड नो सूनर एग्रीड, ये होगा ना, यानी ये नो सूनर कहा जाता यहां, जो कि है नहीं, इसलिए ये भी नहीं होगा आपका। अब ये प्रश्न है, नो सूनर हैड सी एग्रीड होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। नो सूनर हैड सी एग्रीड स्ट्रक्चर में भी होता है, बट ये बेहतर होता यदि नो सूनर हैड सी एग्रीड के बजाय ऑप्शन में ये दिया गया होता और एग्रीड को एग्री कर दिया गया होता, तो नो सूनर के साथ ये बेस्ट ऑप्शन होता। मेरी बात ध्यान रखें आप, थोड़ा सा और लगेगा बट ये बेहतर है। जब आप हार्डली, रेयरली, स्कैशली या बेयरली का प्रयोग करें तो उसके साथ आपकी प्रेफरेंस पास्ट परफेक्ट होनी चाहिए हैड के साथ, लेकिन जब आप नो सूनर का प्रयोग करें तो आपकी प्रेफरेंस पास्ट इंडेफिनिट होनी चाहिए। उसकी वजह समझते हैं। नो सूनर इन्वर्जन है नेगेटिव का, जो एज सून एज से बना है, तो आप जानते हैं एज सून एज क्या लेता है, पास्ट इंडेफिनिट, तो नो सूनर को भी क्या लेना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन यहां चूंकि बी ऑप्शन जो आपका है वो डिड के साथ उन्होंने एग्रीड दे दिया है, हो ही नहीं सकता है, इसलिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, नो सूनर हैड सी एग्रीड। ये लॉजिक याद रखेंगे तो आगे आपके काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिस इज 15वां प्रश्न हमारे सामने है। प्रोफेशनल्स मस्ट कंटिन्यूसली इंप्रूव देयर स्किल्स। जो प्रोफेशनल्स हैं, यानी पेशेवर लोग होते हैं, मस्ट कंटिन्यूसली इंप्रूव, उन्हें निरंतर इंप्रूव करना चाहिए देयर स्किल्स, अपनी स्किल्स, अपनी क्षमताओं में। क्या होगा? इंप्रूव के स्थान पे आप फाइन ट्यून लेना चाहेंगे, इंप्रूव के स्थान पे आप होन लेना चाहेंगे, या इंप्रूव के स्थान पे आप एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोर तो कतई नहीं करना चाहिए। एक्सप्लोर क्या होता है, जब आप किसी स्थान वगैरह को एक्सप्लोर करते हैं तो वो एक्सप्लोर करना होता है, इसे एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं। इन दोनों में से या खुद इंप्रूव में से आपको चूज करो, तो आपको ये समझना होगा क्या स्किल्स को इंप्रूव करते हैं क्या। देखिए जब वो प्रोफेशनल्स हैं
तो उसे इम्प्रूव नहीं करे। ऑलरेडी वो प्रोफेशनल है, पेशेवर है, यानी उनके पास स्किल्स हैं, ऑलरेडी बेहतर है, तो उसे बेस्ट करना चाहिए। तो फिर जब आप किसी चीज को शार्पिन करते हैं और धार देते हैं और अधिक उसे बेहतर बनाते हैं, बेस्ट की तरफ ले जाते हैं, तो आप उसे इंप्रूव नहीं, होन करते। होन मीन्स धार देना, शार्पिन कर। इफ यू आर शार्पिन योर नॉलेज, यानी यदि आप अपनी नॉलेज को शार्पिन करते हैं, यू आर होनिंग योर नॉलेज, आप उसे और बेस्ट की तरफ ले जा रहे होते हैं। फाइन ट्यून क्यों नहीं होगा? फाइन ट्यून मीन्स होता है तालमेल बैठाना, है ना। फाइन ट्यून अर्थात जो सूक्ष्मताएं हैं, जो छोटी छोटी चीज तालमेल की हैं, उस ट्यून को फाइन करो, मीन्स सूक्ष्मता पूर्वक उसे बेहतर बनाना, तालमेल बैठाना। ये यहां बेहतर नहीं आपके, तो होन बेहतर है। प्रोफेशनल्स मस्ट कंटिन्यूअसली होन देयर स्किल्स, यानी होन मीन्स यानी उन्हें अपनी स्किल्स को होन करना चाहिए, तो इंप्रूव के स्थान पे होन हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16th की तरफ हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन हमारा है, दिस इज द कॉन्डक्ट ऑफ मेनी स्टूडेंट्स, यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो कॉन्डक्ट है, मीन्स उनका बिहेवियर है, वो बिहेवियर कैसा होना चाहिए। द कॉन्डक्ट ऑफ मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट व्हाट दे शुड बी, ये दिया गया है। अब हमको क्या करना है? द कॉन्डक्ट ऑफ मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट व्हाट दे शुड बी, या कॉन्डक्ट के स्थान पर कॉन्डक्ट हो गया, ये सही है। या द कॉन्डक्ट ऑफ मेनी स्टूडेंट्स इज नॉट व्हाट दे शुड बी, ये सही है। यहां पे इज ले लिया गया आर के स्थान पर। या द कॉन्डक्ट ऑफ मेनी स्टूडेंट्स इज नॉट व्हाट इट शुड बी, व्हाट इट शुड बी, यहां पे आर को इज में लिया गया और दे को इट में लिया गया, ये अंतर आया। कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, फिर नो इंप्रूवमेंट है, समझ रहे हैं आप? कौन सा लग रहा है? द कॉन्डक्ट्स ऑफ मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट व्हाट दे शुड बी, क्या कॉन्डक्ट हो सकता है क्या? ये अनकाउंटेबल नाउन, कॉन्डक्ट मीन्स आचरण, क्या बिहेवियर को बिहेवियर्स करेंगे क्या? तो डोंट से, तो द कॉन्डक्ट ही रहेगा, यानी ए नहीं होगा। द कॉन्डक्ट ऑफ मेनी स्टूडेंट्स इज, ये तो सही है, द कॉन्डक्ट है यहां पे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखें, द कॉन्डक्ट ऑफ मेनी स्टूडेंट्स इज, यानी ये जो पोर्शन है आपका, ये द कॉन्डक्ट ऑफ मेनी स्टूडेंट्स इज, ये मैच कर रहा है। नॉट व्हाट दे शुड बी, ये दे किसके लिए है? दे कॉन्डक्ट के लिए है, ये दे ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये दे जो है आपका ये कॉन्डक्ट के लिए, और कॉन्डक्ट के लिए आप दे का प्रयोग कर नहीं सकते हैं, ये मैटर फिनिश हो गया। अब आपका सी ऑप्शन है, द कॉन्डक्ट ऑफ मेनी स्टूडेंट्स इज, सही है कॉन्डक्ट के हिसाब से। नॉट व्हाट वैसा नहीं है, इट शुड बी, ये इट किसके लिए है? कॉन्डक्ट के लिए है, यानी दोनों सही यहां पे है, यानी ये इज भी सही है और इट भी सही, यानी सी ऑप्शन क्या है आपका बेस्ट। इस तरीके के लेवल पे करेंगे तो आगे भी आपके मेंस वगैरह में भी आपके चीजें काम आएंगी, यहां भी काम आएंगे आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17th क्वेश्चन पे आ गए। इट सीम्ड ही वाज पजेस्ड विद अ डेमन, तुरंत आना चाहिए आप, ध्यान से वाक्य के स्ट्रक्चर को देखें। इट सीम्ड ऐसा प्रतीत हुआ, ही वाज पजेस्ड कि उस पर अधिकार हो गया है, दिस इज नॉट इन एक्टिव वॉइस, उस पर अधिकार हो गया है विद अ डेमन, डेमन के साथ, डेमन के साथ उसका अधिकार हो गया, ऐसा होगा क्या? इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, आपका जो स्ट्रक्चर है वो पैसिव वॉइस में, एंड इफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, अगर आपके स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में है तो यू कैन नॉट यूज विद विद एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब के साथ आप डेमन का प्रयोग नहीं, अरे विद का प्रयोग नहीं करते हैं, इसका प्रयोग करेंगे आप, बाई का प्रयोग करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा? It seemed he was possessed by a demon. A option, बिल्कुल आसान था, तुरंत आपको आना चाहिए।
बाकी छोड़ दें, देखें ना, कोई मतलब नहीं। एक में ऑफ है, एक में पूरा स्ट्रक्चर ही सी वाले में उल्टा है या ऑफ है, होगा ही नहीं। बाई वाला स्ट्रक्चर हो सकता है। 18th क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। टू थॉट्स, ही वाज ऑस्ट्र टू स्टे बैक फ्रॉम बोर्डिंग द प्लेन। ही वाज ऑस्ट्र, उससे कहा गया टू स्टे बैक, कि वो पीछे रहे, रुका रहे, फ्रॉम बोर्डिंग द प्लेन, प्लेन पर बोर्ड करने से, चढ़ने से। तो उसे क्या किया गया, होल्ड आउट किया गया, उसे डिटेन किया गया या उसे नॉट अलाउड किया गया। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, एक शब्द को आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो, और एग्जाम ऐसे ही होता है, आप पूरा पढ़ते रहेंगे बहुत टाइम लगेगा आपका। आप क्लू से इस्तेमाल, हिंट्स को इस्तेमाल करना सीखें। ये फ्रॉम आपसे कह रहा है कि ही हेड आउट फ्रॉम नहीं होता है, नॉट अलाउड, तो ही नॉट अलाउड फ्रॉम बोर्डिंग द प्लेन नहीं होगा। ऐसे वास अलग, यहां वास, आप ये जो वास है आप इसे अलग कर लीजिएगा, अंडरलाइन नहीं रहेगा। तो ही वास हेल्ड आउट फ्रॉम नहीं होगा, ही वास नॉट अलाउड हो सकता था। कब, यदि वाक्य होता ही वास नॉट अलाउड टू, बोलेगा टू बोर्ड द प्लेन, तब सही हो जाता। लेकिन ऐसा है नहीं आपका, तो फिर एक ही ऑप्शन है, डिटेन। और वैसे भी ये फ्रॉम चीख के कह रहा था कि डिटेन फ्रॉम होता है किसी को प्रतिबंधित कर देना, रोक देना उसे। तो ही वाज, यहां वाज रहेगा, अंडरलाइन में नहीं रहेगा, ही वाज डिटेन्ड फ्रॉम बोर्डिंग द प्लेन हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा, डिटेन्ड फ्रॉम। अगर आप किसी को बार कर देते हैं, उसे बैन कर देते हैं, तो आप उसे डिटेन कर देते हैं। चलिए 19वां प्रश्न हमारे सामने आ गया। 19वां प्रश्न, एक मिनट बस। ये प्रश्न 19th आपके सामने है। दिस इज, You cannot abide to speak to someone when you both live in the same house. छोटा सा क्लू है आपका, और ये छोटा सा क्लू आप इस्तेमाल करिए और बिल्कुल इजी हो जाए। वो क्लू क्या है, कल भी आप परसों में बोला था, इफ यू आर यूजिंग द वर्ड्स लाइक माइंड, लाइक हेट, लाइक लव, लाइक अवॉइड, तो इन वर्ब्स के बाद आपको हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज करना होगा। यू कैन नॉट डू लाइक दैट, वुड यू माइंड टू कम हियर, गलत, वुड यू माइंड कमिंग हियर, यू कैन नॉट अवॉइड टू स्पीक, गलत। अवॉइड के तुरंत बाद अगर आप वर्ब लेते हैं तो आपकी प्रेफरेंस हमेशा आईएनजी होगी, तो यू कैन नॉट अवॉइड स्पीकिंग हो जाए, ये ऑप्शन। अब देखते हैं, स्पीकिंग टू समवन, यू कैन नॉट अवॉइड स्पीकिंग टू समवन व्हेन यू बोथ लिव इन द सेम हाउस। यहां अवॉइड को भी आप अलग करिएगा, सॉरी, ये जो अवॉइड है ये भी अंडरलाइन नहीं रहे, ये मैंने दे दिया था, अवॉइड अलग था। स्पीकिंग टू समवन व्हेन यू बोथ लिव इन द सेम हाउस हो जाएगा। You cannot avoid speaking to someone. You cannot avoid speaking someone. होगा क्या, जो बच्चे अननोन रहेंगे ग्रामर से, उन्हें लगेगा सही तो है स्पीकिंग समवन, लेकिन हमेशा याद रखें, जब भी आप स्पीक का प्रयोग करेंगे, जब भी आप सजेस्ट का प्रयोग करेंगे, जब भी आप प्रपोज का प्रयोग करेंगे, जब भी आप राइट का प्रयोग करेंगे, जब भी आप से का प्रयोग करेंगे, जब भी आप प्रे का प्रयोग करेंगे, जब भी आप स्पीक का प्रयोग करेंगे, और इनके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो आपको हमेशा टू प्रीपोजिशन लेना होगा। इसलिए स्पीकिंग समवन कभी नहीं हो सकता है, स्पीकिंग टू समवन होगा। स्पीकिंग विद होता नहीं, होगा ही नहीं, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा, यू कैन नॉट अवॉइड स्पीकिंग टू समवन। ओके, 20th क्वेश्चन पे आ गया, प्लीज मेक इट अ पॉइंट
to send your letter at my address. जिन्होंने भी मेहनत की होगी, जिन बच्चों ने भी अनसॉल्व पेपर्स को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व किया होगा, वो इस क्वेश्चन को देखते ही कर लेंगे, कर लेंगे ना। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर करेंगे आप। प्लीज मेक इट अ पॉइंट टू सेंड योर लेटर ऑन माय एड्रेस, जैसा कि कुछ बच्चे सोच सकते हैं। प्लीज मेक इट अ पॉइंट टू सेंड योर एड्रेस इन माय एड्रेस, लेटर इन माय एड्रेस, मेरे पते में डाल जाना, होगा क्या कभी नहीं। प्लीज मेक इट अ पॉइंट टू सेंड योर लेटर टू माय एड्रेस, याद करिए जब आप किसी को लेटर भेजते हैं तो आप टू का प्रयोग करते हैं, न कि ऑन या इन का। जब आप यहां पे सेंड का प्रयोग करेंगे तो सेंड टू समवन्स एड्रेस होता है, न कि सेंड ऑन समवन्स एड्रेस होता है, यानी यहां बी ऑप्शन हो जाए। आसान था ये। 21st क्वेश्चन, आई हैव ऑलरेडी रेड दिस बुक ट्वाइस, क्या सही? देखिए बोले जल्दी से, आई हैव ऑलरेडी रेड दिस बुक ट्वाइस, मैंने पहले इस किताब को दो बार पढ़ लिया है, पढ़ चुका हूं मैं दो बार, क्या सही? आई ऑलरेडी ट्वाइस है, स्ट्रक्चर थोड़ा सा भी आपको याद हो तो आई के बाद ऑलरेडी नहीं आएगा जब तक कि आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लेंगे, हैव वर्ब नहीं लेंगे, ये गलत हो गया। आई ट्वाइस हैव ऑलरेडी रेड, ट्वाइस क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो यहां क्या हैव से पहले आ जाएगा? नहीं, ये लास्ट में जाएगा, तो आई हैव उसके बाद ऑलरेडी आएगा, फिर ट्वाइस वर्ड लास्ट में लेंगे आप। आई हैव ट्वाइस ऑलरेडी दोनों लेंगे क्या यहां? गलत, कोई भी सही नहीं, सब गलत हैं, और अगर ये सब गलत हैं तो आपको पता है सही क्या है? नो इंग्लिश, ऑलरेडी सही आपका है, आई हैव ऑलरेडी सही है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, I have already read, मैं पहले ही पढ़ चुका हूं this book, इस किताब को कितनी बार? Twice, दो बार, ये twice last में जाएगा आपका, यानी ये option आपका सही है। ट्वेंटी सेकेंड क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। Anxiety and other such emotions, जो अपने एंग्जाइटी होती है और अदर सच इमोशंस होते हैं, आर नोन, उन्हें माना जाता है, जाना जाता है टू बी अनहेल्दी टू द बॉडी, कि वो बॉडी के लिए अनहेल्दी है, वो बॉडी के लिए अनहेल्दी है, या बॉडी के लिए डेंजरस है, या बॉडी के लिए डैमेजिंग है, या बॉडी के लिए डेट्रीमेंटल है, क्या है? जल्दी से आंसर बताएं, और आंसर आपको आना ही चाहिए। क्या सही? डेंजरस सही है, बॉडी के लिए वो डेंजरस है, डैमेजिंग है, या डेट्रीमेंटल है? एक छोटा सा क्लू जो आपको शिखर पे पहुंचा देगा, शिखर में सफलता का शिखर, सॉल्यूशन का शिखर, क्या होगा यहां? देखिए, अगर आप डेंजरस लेते हैं तो नोन टू बी डेंजरस टू द बॉडी नहीं होता है, डेंजरस फॉर द बॉडी। अगर आप डैमेजिंग लेते हैं तो भी डैमेजिंग फॉर द बॉडी हो, दोनों फिनिश, अनहेल्दी फॉर द बॉडी होगा, यानी ये भी नहीं होगा, तीनों नहीं होगा, तो हो गया आंसर आपका डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल टू द बॉडी होता है, डेट्रीमेंटल टू समथिंग होता है, यानी ये टू बता रहा था कि डेट्रीमेंटल के साथ टू आएगा, अर्थात यहां अनहेल्दी के स्थान पर क्या जाएगा? डेट्रीमेंटल आ जाएगा। ये प्रीपोजिशन संबंधित क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में रेगुलरली, ये 2500 क्वेश्चंस मैंने आपको एग्जाम से दिए जो आ चुके हैं और आगे आएंगे, हर हाल में आएंगे, अगर आप मेहनत करेंगे, रेगुलर सॉल्यूशंस लेते हैं तो हर हाल में आपको फायदा होना है। 23वें क्वेश्चन पे, 23rd क्वेश्चन इज बिफोर अस, 23वां प्रश्न आपके सामने, तुरंत आना चाहिए आपको। द ग्रेटेस्ट फियर विच इज स्केयरिंग ऑफ द वर्ल्ड, वो सबसे बड़ा भय जो इस संसार को डरा रहा है टुडे आज, इज ग्लोबल वार्मिंग, वो क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है, क्या सर? वो सबसे बड़ा भय, द ग्रेटेस्ट फियर, द ग्रेटेस्ट फियर, कुछ याद आ रहा? ऑल के बाद विच नहीं आता,
एवरीबडी somebody वगैरह के बाद विच नहीं आता है. इवन एवरीथिंग नथिंग समथिंग और एनीथिंग के बाद भी विच नहीं आता है. वनली के बाद विच नहीं आता है और सुपरलेटिव डिग्री के बाद भी विच नहीं आता है. तो आता क्या है? दैट. तो हो जाएगा विच. ए ऑप्शन है. दैट स्केयर्ड ऑफ द वर्ल्ड होगा कि नहीं सोचेगा. दैट स्केयर्स द वर्ल्ड होगा कि नहीं सोचेगा. नो नो इंप्रूवमेंट तो होगा ही नहीं क्योंकि विच इज स्केयरिंग ऑफ द वर्ल्ड. यहां ऑफ की कोई आवश्यकता ही नहीं. स्केयर के बाद आपको प्रीपोजिशन की कोई आवश्यकता नहीं है एक्टिव वॉइस में. ये एक्टिव है विच इज स्केयरिंग ऑफ द वर्ल्ड. अगर हम पैसिव यूज करें आई एम स्केयर ऑफ यू सही है बट विच इज तो गलत हुआ. तो ऑप्शन दैट स्केयर ऑफ ऑफ नहीं होगा. एक ही ऑप्शन है दैट स्केयर्स द वर्ल्ड. वैसे भी ध्यान रखें टुडे बता रहा है कि हमको प्रेजेंट रखना है. दैट स्केयर्स द वर्ल्ड और ये हमेशा की बात कर रहे हैं ना. द ग्रेटेस्ट फियर यानी वो सबसे बड़ा भय दैट स्केयर्स द वर्ल्ड जो संसार को डराता है टुडे आज इज ग्लोबल वार्मिंग. वो क्या है? ग्लोबल वार्मिंग यानी जो वैश्विक वार्मिंग है वो हमें डरा रहा है. दैट दैट क्यों आया? ग्रेटेस्ट फियर की वजह से, सुपरलेटिव की वजह से. और बाकी कोई ऑप्शन ही नहीं सही आपका है सी ऑप्शन. यानी ये ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन. ओके चलिए हमारे पास सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आ गया 24th क्वेश्चन. बिल्कुल अंतिम समय पे हम लोग हैं इस 25 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए. क्वेश्चन आपका है द एयर कंडीशनर हैज मेड सीलिंग. सीलिंग समझते हैं? सीलिंग फैंस जो लगे होते हैं. द एयर कंडीशनर हैज मेड सीलिंग फैंस अ लिटिल रिडंडेंट इन टुडेज वर्ल्ड. तो रिडंडेंट के स्थान पे सुपरफ्लुअस होगा, एक्सटिंक्ट होगा या ऑब्सोलीट या रिडंडेंट खुद बेहतर है और नो इंप्रूवमेंट. अब यहां वर्ड पावर का आना है. रिडंडेंट और सुपरफ्लुअस दोनों नहीं हो सकते क्योंकि दोनों में ही होता है आवश्यकता से ज्यादा. जब आप शब्दों को आवश्यकता से अधिक यूज जैसे वो कहे कजिन ब्रदर. कजिन इटसेल्फ इज एनफ फॉर यू. कजिन आपके लिए खुद ही पर्याप्त है. ब्रदर की कोई आवश्यकता नहीं. कि ब्रदर क्या है? सुपरफ्लुअस है या रिडंडेंट. तो क्या यहां इनकी आवश्यकता है क्या? द एयर कंडीशनर हैज मेड सीलिंग फैंस अ लिटिल रिडंडेंट इन टुडेज वर्ल्ड. क्या उन्हें आवश्यकता से अधिक कर दिया है? कतई नहीं, होगा ही नहीं. अब हमें चूज करना है एक्सटिंक्ट होगा या ऑब्सोलीट. एक्सटिंक्ट क्या होता है? जो चीज विलुप्त हो चुकी हो, जो चीज अब ना हो वो एक्सटिंक्ट हो जाती हो, समाप्त प्राय, फिनिश. तो क्या ये सीलिंग फैंस समाप्त हो चुके हैं क्या? विलुप्त हो गए हैं क्या? खोजना पड़ रहा है डायनासोर की वजह से क्या? नहीं ना. तो क्या होगा? एक्सटिंक्ट नहीं होगा. क्या होगा? ऑब्सोलीट. ऑब्सोलीट मीन्स जो धीरे धीरे चीज प्रचलन से बाहर हो रही हो. तो धीरे धीरे ये सीलिंग फैंस बाहर हो रहे हैं प्रचलन से. किसकी वजह से? एयर कंडीशनर की वजह से. लास्ट प्रश्न हमारा आपके सामने है 25. द टॉडलर हैज अ हैबिट ऑफ थ्रोविंग टैंट्रम्स. जल्दी से बोले, ये तो एडियम है आपको याद होगा, थ्रो टैंट्रम्स. तीनों ऑप्शन देखें. उस टॉडलर, टॉडलर समझते हैं ना, टॉडल मीन्स होता है लड़खड़ाते हुए चलना, मीन्स डगमगाते हुए चलना. तो टॉडलर वो बच्चा जो 1 से 3 साल के बीच के आसपास में होता है और धीरे धीरे कोशिश कर रहा होता है लड़खड़ाते हुए चलने की, वो टॉडलर होता है, छोटा बच्चा. हैज अ हैबिट ऑफ थ्रोइंग टैंट्रम. टैंट्रम क्या होता है? विकास की वो अवस्था जो 1 से 3 साल के बच्चों की होती है वो टैंट्रम कहलाती है. लेकिन थ्रो टैंट्रम कुछ और होता है. थ्रो टैंट्रम क्या होता है? एक्सप्रेसिंग इमोशंस, क्या अपनी भावनाओं को प्रकट करना होता है, या एक्सप्रेसिंग हैप्पीनेस या फिर खुशी प्रकट करना होता है, या एक्सप्रेसिंग फ्रस्ट्रेशन या फ्रस्ट्रेशन प्रकट करना होता है. क्या होता है? याद आया? एक्सप्रेसिंग फ्रस्ट्रेशन, यही होता है ना. यानी द टॉडलर हैज अ हैबिट ऑफ एक्सप्रेसिंग फ्रस्ट्रेशन. यानी सी ऑप्शन, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन.
मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं। इन 25 क्वेश्चंस के माध्यम से मैंने कोशिश की है कि मैं वो क्वेश्चंस आपके सामने ले आऊं जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में काम आए, एक आइडिया डेवलप करें आप कि किस तरीके सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस हम सॉल्व करें। इसी तरह और भी आगे सेक्शंस मैं आपको देता रहूंगा, मैं आपको और भी सेक्शंस देता रहूंगा और आप मुझे अपना सपोर्ट, अपना स्नेह, अपना प्यार देते रहिए ताकि मेरे अंदर एक कमिटमेंट हो कि हाँ अपने बच्चों के लिए कुछ बेहतर करके दिखाना है। चलिए कल मिलते हैं सेम टाइम 9 बजे। ओके, गुड बाय, थैंक यू।